जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच विचर रही है, जिस तरीके दे नाल बाहर दे लोग आके पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहे, जिस तरीके दे नाल राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानां नूं माड़ा चंगा कहा है, जिस तरीके दे नाल किसान मोर्चे ते एलीगेशन लगे है, उस दी पंजाब दे विच बड़ी भारी किसानां दे विच और पंजाब दे लोकां दे विच रिजेंटमेंट है। जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां नूं ठगण दीआं खबरां पंजाब चों आ रही हैं, जिस तरीके दे नाल टिकटां बारे च वख-वख तरहां दीआं एलीगेशन पंजाब चों आ रहे है, उस ते पंजाब दे लोग पिछली बार भी दुखी होए सी, ऐतकी फिर दुखी है। इन्हां ने किसान मोर्चे तो पैसों का हिसाब किताब मंगया, मैं इन्हां तो पैसों का हिसाब किताब मंगदा जिहड़ा अरबां रुपया पिछली बार NRIs ने इन्हां नूं दित्ता, उस दा हिसाब किताब दे देण जे किसान मोर्चे तो इन्हां ने हिसाब किताब मंगना। सो लेकिन ये गल्लां वक्खरियां हैं, अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि पहलां इन्हां दे लगभग 10 MLA 20 चों इन्हां नूं छड्ड चुके है हाई कमांड तो तंग आके, क्योंकि पंजाब दे लोकां दी कोई सुनवाई नहीं है। पंजाब दे जिहड़ा कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी दा, डिक्टेटरशिप चलती है इस पार्टी, जिस तो तंग आके 10 MLA 20 चों इन्हां दे छड्ड चुके है, उन्हां नूं अपनी लीडरशिप ते विश्वास नहीं रहा, 3 MP इन्हां दे छड्ड चुके है, अज उन्हां दे जेड़े हुण नवें नवें कैंडीडेट डिकलेयर किए है, उन्हां चों एक कैंडीडेट ने सच दा आसरा लेके सच दा लड़ फड़ के अपने आप नूं सच दे विच उभारिया है, ताकत जुटाई है, हौसला करिया है। आम आदमी पार्टी दे लीडरां दियां गलत नीतियां दे खिलाफ बोलण दा और उन्हें हौसला कीता है, हौसला करके आम आदमी पार्टी दा टिकट ठुकराया है। अजिहे नौजवानां दी पंजाब दे लोकां नूं लोड़ है, जरूरत है, क्योंकि यह अपने आप नूं क्रांतिकारी शो करदे, यह अपने आप नूं इनकलाबी शो करदे, लेकिन असलियत यह है कि नौजवानां नूं वरगला के पंजाब दे विच बाहरों आके राज करना चाहुंदे, जिहड़ा कि पंजाब दे नौजवान नूं पंजाब दे लोकां नूं मंजूर नहीं है। सो मेरे नाल अमनदीप सिंह जी आशु बांगड़ बैठे है, जिहड़े कि फिरोजपुर रूरल ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार सी। इन्हां ने एक कोशिश कीती है कि पंजाब दे लोकां नूं जो इन्हां ने महसूस किया आम आदमी पार्टी दे विच कि यह क्रांतिकारी नहीं, एक ड्रामा करन वाले लोकां दी पार्टी है जिहड़े ड्रामा करके पंजाब नूं लुटना चाहते हैं, ये महसूस करके इन्होंने उन्हां दी टिकट नूं ठुकराया। इन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इन्हां कोल जीरा साहब नूं भेजे देख के, ते मैं इन्हां नूं बेनती की है कि थोड़े वर्गे जिहड़े होनहार नौजवान है जिहड़े सच ते खड़ सकदे है, जिहड़े किसे टिकट नूं भी ठुकरा सकदे है, उन्हां दी पंजाब दे लोकां नूं लोड़ है, साड़ी पार्टी नूं लोड़ है, इस करके तुसी साडे विचकार आओ। इन्होंने साड़ी बेनती प्रवान की है, तो अज असी इन्हों पार्टी ज्वाइन करान जा रहे, तो नाल फिरोजपुर रूरल तो ही इलेक्शन भी इन्हों लड़ावे जी। लो जी, बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर साहब ने
मैं दसांगा जी हुण ये अजमेर सिंह कलरा जी हैं जी इन्हां दे नाल ज्वाइन कर रहे हैं ये जनरल सकत्तर हैं आम आदमी पार्टी दे जलंधर एरिया जोन पता नहीं उन्होंने किस तरह सिस्टम होंगे थोड़ा दस सकते हैं उदे ये इंचार्ज भी है ये भी आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी दे विच आए हैं मैं इन्हों का भी स्वागत करदा तो अमनदीप आशू बांगड़ जी का भी पार्टी दे विच स्वागत है हुण मैं तुसीं इन्हां तों भी सुनना चाहोगे एक मिनट पहला आ गल कर लिए उम्मीदवार पहला शगना दी गल कर लिए मैं आशू बांगड़ अपनी गल रख लें हेलो बहुत बहुत धन्यवादी हाँ मैं सीएम साहब का कांग्रेस हाईकमांड का पार्टी प्रधान जी का मेरा जो भविख है फ्यूचर है और मेरा बैकग्राउंड है मैं बहुत नीचो ग्राउंड तो उठ के बहुत वर्क किया काफी स्ट्रगल करके पोलिटिकली मेरा कोई बैकग्राउंड सिगा नहीं मैं कभी सोचा नहीं सिगा कि मैं कभी इलेक्शन लड़ने हैं ना मेरे परिवार चो कोई मैंबर पंचायत लड़े है आम आदमी पार्टी की विचारधारा जुड़े सी सोच न जुड़े सी कि ये कुछ अलग बदलाव लेके आएगी जदों आम आदमी पार्टी दी विच रह के नीतियां देखियां हौली हौली समझ लग्या भी ये भी एक जिस तरह कोई कंपनी प्रोडक्ट अपना बेचती है एक नाल एक फ्री या ये लै लो ये तुहानूं इहदा फायदा हो जूगा उस तरीके की इन्हां दी सोच है गाइडेंस है क्योंकि मैं काफी दिनों तो टॉर्चर हो रहा सी इन्हां जिहड़े दिल्ली तो लियांदे रेहड़ियां लाउण वाले मैं कहना उन्हां नूं इत्थे लिया के साडे सिर ते बिठाता जिन्हां नूं बोलदी वी गल नहीं और वो इन्ना कि ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि सानू आ चीजा होने क्योंकि वो पेड़ ने वो सैलरी बेस्ड ने वो साडे ते बिठा के इदा के इंप्लीमेंट करवा के कि सानू आ चीजा और उहदे च कोई पंजाब दी लीडरशिप इनवॉल्व नहीं वो इनवॉल्व है जेडे यस मैन ने हाँ जी बोलते ने कि हाँ सहमत आ जी वो आपां सानू पता ही कौन है सो इस करके मैं अपने मेरे कोई ये विचारधारा नहीं सी कि मैं कांग्रेस वाले पासों लड़नी है लेकिन मैं रात अपनी फैमिली ने डिस्कस की थी भी मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा तो मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा कि करना चाहिए सो वाइफ ने भी डिस्कस की थी, मदर ने भी डिस्कस की थी, भी इन्ना स्ट्रेस चलिया नहीं जाता क्योंकि इन्ना प्रेशर क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब है भी आम लोगों के रहना आम लोगों की गल सुनना मैंने दो बारी सीएम साहब का मौका मिलया मैं बड़ी खुशी थी मैं अपने हल्के दियां प्रॉब्लम काफ़ी लिस्ट बना के लैके गया कि मिल के गलबात करांगे लेकिन मैं मिलया मैं 30 सेकंड का टाइम मिलया एक फोटो खिंचवाई गई किधर किधर तो सीएम साहब मतलब केजरीवाल साहब की तरफ किते कोई चन्नी हो ना समझ लवे सो मैं कह यार मैनू तो बड़ी उम्मीदा सी क्योंकि मैं ग्राउंड तो उठा सी मैनू लगता सी कि कुछ अलग करना चाहिए कुछ अलग होना चाहिए हल्के वास्ते जी उस तो बाद फिर काफी बारी गलबात राघव चड्डा जी ना हुई लेकिन उनका रूड बिहेव गल करने का तरीका इन्ना एटीट्यूड मैनू ए महसूस होता सी जिवें असी कोई दिहाड़ीदार जिवें कोई लेबर करने वाले इन्होंने रख ले आ भी अपनी मर्जी ना बुला लिया अपनी मर्जी ना छड़ता असी सवेरे तो लैके शाम तक पार्टी लई दिन प्रति मेहनत नाल काम करते सी वलंटियर दी बड़ियां उम्मीदां सी मैनू पता है कि साडे हल्के दे जिहड़े वलंटियर आ उन्हां दे मन नूं बहुत ठेस है लेकिन वो कितें ना कितें इस गल नूं समझदे आ कि वाकई हाईकमांड ने कभी असी साडी गल नहीं सुनी थोड़े दिन पहला मेरी गल हुई तो मैनू कहिंदे आप काम कर लो नहीं तो टिकट काट देंगे वह मैनू मेरे दिल दे च मेरे जज्बातां नूं बहुत इस गल की ठेस पहुंची कि अगर अज भी इन्हां चीज़ां च रहना तो फिर कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई काम करा नहीं सकते कोई एजेंडा नहीं वन साइडेड आ भी एक चीज़ का ऑर्डर आ जाता है उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उत्ते कोई डिस्कस नहीं कर सकते एको विचारधारा है एको ग्रुप है उस मैसेज आ जाता उन्होंने फॉलो कर लो जिहड़ा फॉलो कर लूगा जिहड़ा वो खर्चे भर लूगा वो अगे तक रन कर सकता अगे तक जा सकता सॉरी और इस करके जी जी थैंक यू इस करके काफ़ी स्ट्रेस वादा 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 कल रात मैं मॉर्निंग ही प्रेस क्लब फिरोजपुर कॉल की मैं उन्होंने विश्वास दवाया कि चलो अज मैं कभी बोलिया नहीं अज तक कि मैं कुछ गलबात करना चाहना और किसी नूं इस तरीके का कुछ लग भी नहीं रहा कि मैं कोई ऐसी गल करूँगा लेकिन मैं अपने दिल दीआं भावनावां दी गल की
क्योंकि मैं ए लगता कि पंजाब च आम आदमी पार्टी कोई इदा लीडर ही नहीं बनया जिहड़ा पंजाब दे मुद्दे चक सके कि दिल्ली तो जिहड़े लीडर आके साडे पंजाब दी गल कर रहे हैं। सो ये बड़ी मैं एक चीज़ हर्ट करती है। मैं इहदा जरूर राघव जी तो जवाब लूंगा क्योंकि बहुत सारिया गल्लां करते हैं वह साडे मान साहब भगवंत मान जी मैं बहुत रिस्पैक्ट करता दिलों जुड़े हैं असं प्यार भी करते हैं उन्होंने लेकिन सारिया साडी सारिया की रणनीति पंजाब नूं उपर लैके जान दी है लोगों खुशहाल करन दी है लेकिन फिर कितना कितने ये महसूस क्यों कराया जाता है कि मान साहब नूं बड़ी बारी पुछना कदों अनाउंस करोंगे कदों अनाउंस करोंगे। सिर्फ झूठ कोई भी ईवेंट है मतलब हर ईवेंट से यही दसा जाता है कि नहीं बस होने ही वाला ये बिल्कुल सच्चाई है जो क्लीन है क्योंकि मैं अपने को बना के दसना नहीं चाहता। मैं कोई डर नहीं इस गल का कि मैं टिकट मिलती है नहीं मिलती है क्योंकि मैं इन चीज़ों इस करके आया सी कि कुछ बदलाव हो कि लोगों की गल सुनी जाए कोई नशाखोरी बंद हो कोई हल्के दियां प्रॉब्लम समझिया जा जिहड़ा मावां दे पुत चिट्टना मरदे आ उन्हां दी समस्या नूं समझिया जाए। लेकिन मैनूं ये महसूस होण लग पिया रात दे डिसीजनां तों बाद कि नहीं इत्थे जे मुख्यमंत्री अनाउंस हो गया वो एक सिर्फ डम्मी होगा ये सारा जिहड़ा सिस्टम रोड मैप वो दिल्ली तों चलूगा और दिल्ली पंजाब नूं चलाऊगी कदी हो नहीं सकदा। इस करके इन्हां ने हर ईवेंट ते जे किसानां दी गल आउणी पहलां उन्हां दे प्रति सानूं बिठाउणा गलबात करनी असीं जाणा अच्छा जी इनिया फ्लैक्सा लवा दो असी कभी मना नहीं कर सकते। सानू ये लगता हुंदा सीगा यार क्योंकि दिल साफ सी कभी सोचा नहीं सीगा भी इस तरीके का जिंदगी दे विच मोड़ आजूगा कि अज इस मोड़ ते बैठ के जिहदे वास्ते खाब बनाए होण सोचा होवे जिन्हां लोकां ने तुहानू ब्लैसिज दित्तियां होण वी तुसी कामयाब होवो उस चीज़ नूं फेस करना बहुत औखा है लेकिन मेरे दिल च ईमानदारी ते सच्चाई सीगी ते मैनू लगा नहीं भावना और जिहड़े बंदे पार्टी नूं जिन्हां टिकटां नहीं मिलियां मैं बड़ी बारी हाईकमांड नाल गल कीती कि साडे जिहड़े हल्के नाल दे लोग ने महसूस हुंदा वी बंदे अपाहिज हो गए क्योंकि इन्हां नूं कोई पुछ नहीं रहा। सो असीं इन्हां नूं नाल लै के इन्हां नाल गलबात करिए वी इन्हां नूं वी नाल लिया जाणा चाहीदा इन्हां नूं वी बैठ के समझाउणा चाहीदा पर पार्टी ने कदी इदां दे एफर्ट्स नहीं कीते। जे उह एफर्ट्स करदी सी जिवें किसे बंदे नूं पैरालाइज वेंटीलेटर ते लगा जांदा उस सिचुएशन जाके डिस्कस करनी। इस करके आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी रणनीति है क्योंकि ऑब्जर्वर आके कोई गल बोलते हैं बड़े ईगो दे विच आपसे कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ यहाँ पे 2024 की चाबी लेने आया हूँ 24 की कि पीएम हमारे अरविंद जी होंगे अपन इस चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन एटलीस्ट पंजाब की गल पंजाब के मुद्दे पंजाब के लोग चकने चाहिए पंजाब के लोग चकन रही थोड़ी गल ये टाइम पा के हले नहीं टाइम पा के मैं इहदा खुलासा जरूर करूँगा लेकिन अज नहीं क्योंकि उहदे च काफ़ी चीज़ा नहीं सच्चाई ते बोल रहा मैनूं इस चीज़ का कोई डर ही नहीं कि मैं उधर एक टिकट लैके छड़ के आया मैं पहला भी छड़ सकता सी कोई पैसे देखो मेरी गल सुनो आम आदमी पार्टी की करती है जिन्ना खर्चा करवाउंदी है वह वैसे ही एक बंदे दे अफोर्ड नहीं कर सकता तरीका सिस्टम यह बनया होया कि मतलब 1000 फ्लैक्स की कॉस्ट जो आप गल करिए वीकेंड मैंने कॉल आ गई कि 1000 फ्लैक्स लगवाना 1000 फ्लैक्स नियर अबाउट एक फ्लैक्स 1400 रुपये का 14 लाख के फ्लैक्स हो गए ठीक है। उस तो अलावा LCDs लगवानी है 2-2 लाख के पैकेज वो असी अपना कुछ नहीं कर सकते। सो नहीं सर करवाउंदियां लेकिन तुसीं एक चीज़ दसो ना जे मैं 5 करोड़ रुपए लगा के इलैक्शन लड़ने तो पैसे मैं पूरे कित्थों करूंगा नहीं नहीं सर मैं तुहानूं दस्सिया सी कुछ चीज़ां हैगियां वो टाइम आउण दे उत्ते खुलासा किया जाऊगा पार्टी का स्ट्रेस है भी काम करो भी तुहाडे टिकट कट देंगे मेरी गल सुनो नवा मुंडा है
कोई मैं थोनू दसदा खाब लेके आया सी के जेड़े खाब केजरीवाल बेचदा ओ लेके ओ इन्हें भी ले ले, लेकिन बाद च पता लग्या कि इह तां कुछ होर निकलिया यार। इस करके ये पंजाब दे लोकां नू इह जे बहुत नौजवान है जेड़े क्रांतिकारी सोच रखते है जिन्हां नू झूठे खाब दिखाए जा रहे है और जद वह सिस्टम के विच बढ़ते है यार एक मिनट जद वह सिस्टम के विच बढ़ते इन्हां दे उत्थे जाके देखते यार इत्थे तां कुछ होर निकलिया। इस करके सारा सिस्टम जेड़ा उन्हां दा गंधड़ा है उहदे अंदर जाके जद कोई देखदा तां नौजवान वापस मुड़े आउंदा। अजे जेड़े बाहर थल्ले नौजवान ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਭੋਗ ਲੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮੂਸੇਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ। देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर किसी नू अपनी अपनी टिकट मंगण दा हक है, ते मिलनी एक नू ही है। इस करके जब एक नू ही मिलनी है तो जिन्हां नू एक बार तो हार्ट बर्न हुंदी है उन्हां नू समझाया जांदा है। जिथे तक मेरे भरा दी गल है, वीर जी ने फिर पुछना, मैं दस दिंदा, साडी ज्वाइंट फैमिली है, असीं इकट्ठे रहिंदे हैं, अज तो नहीं बचपन तो इकट्ठे रहिंदे हैं, परमात्मा करेगा लंबे समय तक इस तरह रहांगे। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ MD ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਬਈ ਬੱਸੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ SMO ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ MLA GPG ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਲੜ, ਉਹ MLA ਲੜਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ, ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, GP ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ GP ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਨਵਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ 17 ਲੱਖ ਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚੇ ਆ? ਆਹ ਬੈਠਾ ਸਬੂਤ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਹਿ ਕਿਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਖਾੜਾ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਖਾੜਾ, ਇਹ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਯੈਸ, ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਫੈਲਾਨੇਗੀ? ਕਿਆ ਆਪ ਇਸਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਅਧਿਕਸ਼ਾ ਕੋ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।